दिव्य जागृति ज्योति के तत्वाधान में आरबीएस होटल में की गई पत्रवार्ता। अयोध्या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में दिनांक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल स्थान आरबीएस होटल लॉन परिक्रमा मार्ग जनौरा अयोध्या में शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक 7 दिवसीय श्री राम कथामृत का भव्य आयोजन होने जा रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य विश्व विख्यात मानस मर्मज्ञ साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी व्यास पीठ पर सुशोभित होंगी। यह कथा समस्त जन कल्याण हेतु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर आयोजित की गई है। इसी श्रृंखला में दिनांक 20 अप्रैल सुबह 9 बजे से भूमि पूजन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय परम्परा के अंतर्गत श्री राम कथा से पूर्व भूमि पूजन का विशेष महत्व माना गया है। जैसे धरती अचल रहकर सबको अपनी गोद में स्थान देती है, उसी प्रकार श्री राम के भक्तों को तटस्थ होकर श्री राम के यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। उक्त जानकारी सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी श्री विश्वनाथानंद जी ने दी। इस कार्यक्रम हेतु विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है, सुंदर सजावट हो रही है। लखनऊ प्रयागराज व अयोध्या के हजारों भक्त रामकथा को श्रवण करने हेतु पहुंचेंगे। उनके लिए बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई है। इस भूमि पूजन समारोह में कथा के मुख्य यजमान संत राम पांडे, अनिल सिंह, ओम प्रकाश तिवारी, टोनी सिंह, समाज सेवी लवकुश जी ने उपस्थित होकर भूमि पूजन किया। सबसे पहले जय श्री राम। प्रेस वार्ता के माध्यम द्वारा सभी चैनलों को साधुवाद, धन्यवाद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, और आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से समस्त अयोध्या के भक्तों को यही संदेश देना है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से दिनांक 24 से 30 अप्रैल सायं 5 बजे से 9 बजे तक परिक्रमा मार्ग जनौरा अयोध्या में श्री राम कथा अमृत का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या विश्वविख्यात मानस मर्मज्ञ साध्वी सुश्री विदुषी श्रेया भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी। और जैसे हमारे श्री रामचरितमानस में वर्णन है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रति, प्रति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। वो कहते हैं कि ईश्वर को जब तक हमने जाना ही नहीं तब तक हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो ही नहीं सकता है, और बगैर विश्वास के प्रेम पनप नहीं सकता है, और विश्वास और प्रेम के बगैर भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं आ सकती है, भक्ति में प्रगाढ़ता नहीं आ सकती है। इसके लिए आवश्यकता है हम केवल ईश्वर की कथा ही नहीं ईश्वर का परम दर्शन भी प्राप्त करें। और इसके लिए हमारे रामचरितमानस में ही वर्णन है कि जब गुरु जीवन में आता है तो हमें दिव्य नेत्र की प्राप्ति करवाता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त करवाता है, और उस दिव्य नेत्र के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा मानव आंतरिक जगत में उस राम के परम प्रकाश का दर्शन कर सकता है। और श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के सनातन विधि के माध्यम द्वारा समस्त शिष्यों के अंदर दिव्य नेत्र को प्रदान कर ईश्वर का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते हैं। इसी महान संदेश को लेकर के विश्वविख्यात कथा व्यास जी अयोध्या में प्रथम बार यहाँ पर व्यासपीठ पर सुशोभित होंगे। और हम केवल राम की कथा ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियाँ भी करते हैं, जैसे होलिस्टिक एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। मंथन हमारा प्रकल्प है जो विभिन्न प्रकार के ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान करते हैं। भारत के 40 जेलों में हमारे आश्रम है जो बंदी सुधार कार्यक्रम के नाम से विख्यात है। ऐसे हीनियस क्राइम करने वाले ऐसे कैदियों को भी ब्रह्म ज्ञान के मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम द्वारा हम उन्हें सुधारने का कार्य करते हैं। पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, और इसके लिए हम लोग पर्यावरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यशालाएं विद्यालय यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाकर के उन्हें विभिन्न प्रकार से जागृत करने का कार्य करते हैं। डिसेबल लोगों के लिए हमारा एक प्रोजेक्ट है अंतर्दृष्टि, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो मोमबत्ती बनाने वाली